मेरे दोनों वर्किंग हैं और थैंक यू इनफैक्ट मुझे नहीं पता था इस डे के बारे में, अब पता चला है तो मैं कल अपने पापा माँ को विश कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा माँ दोनों ही वर्किंग हैं। मेरे पापा ही इज़ वर्किंग, मम्मी हमेशा होम मेकर रहे हैं। तो हाँ, इस दिन के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। इंटरेस्टिंग, तो कल उन्हें विश करने का अच्छा मौका है। अभी तो ऐसा कभी हुआ है कि पेरेंट्स इतने वर्किंग होते हैं तो कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं वो कम ध्यान दे पाते हैं, तो कभी ऐसा आपको फील हुआ है, कभी ऐसा कुछ लगा आपको? ओह गॉड, इनफैक्ट तो मुझे तो लगता है कि वर्किंग होते हुए मेरे मम्मी पापा ने इतना ध्यान दिया है, इतना सब कुछ किया, जो आई थिंक जहाँ पर मुझे एज अ किड हमेशा लगता था कि यार इसकी मम्मा हाउसवाइफ है, वाओ ये घर जाएगी स्कूल से तो इसको मम्मा के हाथ का खाना यू नो गर्मा गर्म टाइप्स मिलेगा और फिर मम्मा ही ट्यूशन भेजेगी चेंज करवा करोगे। वो मैंने और मेरी बहन ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हम दोनों खुद जाकर बना हुआ खाना गर्म करके ऐसे उस टाइम मुझे लगता था, बट अब जब मैं लाइफ में इस पोजीशन पे पहुंच गई हूँ तब मुझे लगता है कि माय गॉड जो मेरे पेरेंट्स ने वर्किंग होते हुए भी किया है मेरे लिए, वो शायद जहाँ पर वैसा नहीं भी हो, उतनी बिजी लाइफ नहीं हो पेरेंट्स की, शायद वहाँ भी बच्चों को उतना नहीं मिला होगा। ठीक है, मुझे भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि पापा, बिकॉज मैं तो उन्हें इस तरह से काम करते देखा है कि सुबह 4 बजे वो जाते थे तो रात को कभी कभी 12-1 बजे तक आते थे। तो दिस इज़ व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, 2-3 साल की उम्र होगी, पता नहीं क्यों मुझे वो मेमोरी है अब तक। तो उन्होंने वैसे शुरू किया था, फिर मुझे याद है 8:30 से लेके रात को 8:30 बजे तक, तो 12 आवर्स हम उनके बिना होते थे। बट मुझे कभी ऐसा, इनफैक्ट अभी आपके सवाल से मुझे महसूस हुआ कि था कभी ऐसा कि मुझे लगा पापा का ध्यान नहीं है हम पर, कभी भी नहीं। चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, मेरे और मेरे भाई की, चाहे वो घर का कुछ हो, वो हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं, हर जगह रहे हैं। कभी इस चीज के लिए कभी आप लोग ने कोई जिद की हो कभी, या कोई डिमांड की हो स्पेशल की मुझे इसकी कंपनसेशन में कुछ तो चाहिए, या कभी ऐसा कुछ हुआ है? जब कमी नहीं महसूस हुई तो उसका एग्जैक्टली, कॉम्पनसेशन क्या इनफैक्ट मांगे। ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं अपने पापा को बोलना चाहूंगी, मतलब मैंने अपने पापा को ऐसे देखा जैसे दीदी अभी बोल रहे थे ऐसे बैंक, बिकॉज ही इज बिन अ बैंकर, तो वो बैंक जाते थे, घर आते थे, मुझे पिक करते थे, डांस क्लास पे ड्रॉप करते थे, बैंक जाते थे, बैंक से डांस क्लास आते थे, मुझे पिक करते थे, घर पे ड्रॉप करते थे, बैंक जाते थे, तो माय गॉड, ही इज डन ऑल दैट, तो आई डोंट थिंक कोई भी कमी कभी महसूस हुई है जो कंपनसेशन मांगनी पड़े। और मम्मा भी वर्किंग मदर होकर यू नो खाना ऑन पॉइंट हमेशा, कि अभी बच्चे आने वाले घर, अभी मम्मा शाम को ऑफिस आती हैं, जब सुबह खाना बना के टिफिन दिए सबके, पापा मेरी मेरी बहन और फिर बाद में मेरा भाई भी था तो उस सब के बाद लॉन्ग डे एट वर्क, और पता नहीं कैसा रहा होता है ऑफिस की अपनी टेंशन, बैंक की अपनी टेंशन, उसके बाद वापस आके सबके लिए खाना बनाना, आई थिंक ओ माई गॉड थैंक यू इनफैक्ट ये सेगमेंट करने के लिए मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ मतलब कॉम्पनसेशन मांगना तो बहुत बड़ी बात, आई थिंक थैंकफुल भी हम कितना हों पता नहीं, कभी बराबर नहीं हो अच्छा कभी सकता। ऐसा हुआ कि उनको हेल्प करनी चाहिए, आपने कितने बार घर में चीजें मतलब ये रियलाइज की कि मुझे भी ये करके रखना चाहिए तो शायद मॉम डैड को अच्छा लगे? सच अ स्वीट क्वेश्चन। या आई थिंक फेजेस होते हैं, एक टाइम तक तो आप रियलाइज नहीं करते हो, फिर आप थोड़े बड़े होने लगते हो आपको रियलाइज होता है। आई थिंक अपना ध्यान भी रख पाना भी बहुत बड़ी बात होती है, खुद एज किड्स घर पे आना, जैसे मैंने बोला उस टाइम पे हमारे पास मेड्स नहीं थी, मतलब कोई ऐसे फुल टाइम मेड नहीं थी, मैं और मेरी बहन ही खाना गर्म, खुद कपड़े चेंज, खुद ट्यूशन जाना, वॉकिंग कभी कभी, तो ये सब करना भी आई थिंक अपना ध्यान रख पाना है वो ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली उनको उतना तो एटलीस्ट मेंटली वो फ्री हो जाते हैं कि जी चलो बच्चे तो अपना ध्यान रख ही रहे हैं। मेरे लिए ऐसा था कि मम्मी हमेशा ही घर पे होती थी, बट मुझे पता नहीं क्यों यंग एज में खाना बनाना सीख लिया था, मम्मी ने ही सिखाया था मुझे। आई थिंक आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, तब से मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। वाह। तो ये होता था कि कभी अगर मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं और मैं और मेरा भाई घर पे अकेले हैं तो मैं इतना करती थी खाना बना के रखती थी कि जब वो वापस आए तो मम्मी को वो ना करना पड़े कम से कम। तो ये चीज़ मुझे याद है, बाकी बहुत बार तो डिसअपॉइंटिंग भी रहा है हमारा, बट मैं और मेरी बहन आंशल हमेशा सोचती थी चलो आज मम्मा पापा लेट आने वाले हैं दोनों तो हम सब्जी यू नो रोटी बना के रखते हैं, पर शायद एंड में बाहर से मंगवा लो। अच्छा मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि
पेरेंट्स को खुद फील हुआ है कि मतलब उतना कम टाइम दे पाते हैं जैसे उनका रूटीन रहता है, तो उसके बाद कभी आपको कोई सरप्राइज मिला है या कभी कोई ऐसा ट्रीट टाइप में पेरेंट्स ने किया हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही अच्छा लगा हो आप लोग एज अ चाइल्ड सबके सभी के? मुझे लगता है क्योंकि वो जैसे अभी हमने बताया कि कभी वो महसूस ही नहीं हुआ कि उनकी कमी थी, तो अगर कभी कोई गिफ्ट ऐसे ही आ जाता था तो भी वो बहुत बड़ी बात लगती थी, और कभी ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थे तो तब तो ये सब ख्याल भी नहीं आता था कि अब आपने उतना टाइम नहीं दिया, चलो अभी गिफ्ट देके उसकी कमी पूरी करो। मम्मा के आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई भी कमी छोड़ी, तो फिर कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि उन्हें ऐसा लगे कि वो यू नो बराबर कर नहीं पा रहे हैं। ओके, जब छुट्टी होती थी तब किस तरह से पूरे फैमिली एक दूसरे के साथ मतलब कैसे एंजॉय करते थे? मेरे मम्मा पापा दोनों वर्किंग रहे तो हम तो हमेशा संडेज का वेट करते थे क्योंकि सैटरडे भी मम्मा की छुट्टी रहती थी पर पापा का बैंक फिर भी वर्किंग होता था, तो हम संडेज का बहुत वेट करते थे। हमारे सारे प्लान संडे के होते थे, बाहर खाने जाने का प्लान, तो हाँ मतलब वी यूज टू लुक फॉरवर्ड टू संडेज, वी स्टिल डू, अभी बस फर्क इतना है अभी मेरा कोई संडे नहीं होता। हाँ, मेरे पापा का एक वीकली ऑफ होता ही था, चाहे वो मंडे रहा हो, थर्सडे, कभी फ्राइडे, कभी संडे, ऐसे होता था। तो मुझे लगता है मैं पहले कहने वाली थी कि हम पूरा दिन साथ बिताते थे और साथ बैठ के खाना खाते थे, लेकिन ये तो एक रूल बन गया था कि रात डिनर तो हम साथ ही में करेंगे, डिनर तो हमारा साथ ही में होता था। आई रिमेम्बर जब हमारी छुट्टी होती थी तो हम लोग देवका और दमन, हमारे घर के बहुत पास पड़ता है, वहाँ जाया करते थे, तो बीच दमन बीच एंड देवका, तो या वो एंजॉय करते थे। आई थिंक टू ऑल द वर्किंग पेरेंट्स हैट्स ऑफ टू यू। आई थिंक ये बहुत ही एक समझी हुई बात है कि फादर्स तो सबके वर्किंग होते ही हैं, बट टू ऑल द मदर्स जो घर का ध्यान रखने के साथ साथ काम भी करती हैं और फिर यू नो बच्चों का होमवर्क, आई नो मम्माज वो सब करती हैं, हैट्स ऑफ टू यू ऑल, हैप्पी वर्किंग पेरेंट्स डे। भगवान करे कि आप हमेशा वो बैलेंस अच्छे से बना के रखें और वो सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो। हैप्पी वर्किंग पेरेंट्स डे एंड टू माई पेरेंट्स।